अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद लतीफ़ है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से OPF जो रजिस्ट्रेशन होती है उसकी मेंबरशिप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आपको जस्ट गूगल पे जाना है, वहाँ पे आप OPF लिखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपको मिल जाएंगी। ये उसकी मेन साइट है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, और ये उसकी OPF मेंबरशिप। आप इनमें से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कोई से भी सिलेक्ट करेंगे आपको उसी डैशबोर्ड पर ये ले जाएगी। तो ये हम उसकी मेन साइट पर, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी की वीडियो अपडेट कर चुका हूँ मैं, तो आप पहले वो देख लीजिएगा। इसलिए इसमें इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे अगर आप राइट पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आपको मिलेगी माई अकाउंट की, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो कुछ ऑनलाइन FERC एंड OPF मेम्बरशिप कार्ड के बारे में कुछ अनाउंसमेंट है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इफ़ एनी ओवर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अप्लाइड फॉर FERC और OPF मेंबरशिप कार्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2020 एंड ही शी इज़ अ फेसिंग प्रॉब्लम। मतलब इन्होंने कुछ बताया होगा कि अगर आपने जुलाई या अगस्त में कोई OPF कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपको कुछ प्रॉब्लम दिक्कत पेश आ रही है अपने स्टेटस के बारे में, उसकी अपडेट के बारे में, तो लॉगिन के बारे में ऑनलाइन पोर्टल, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है इनसे। असिस्टेंट डायरेक्टर है यहाँ पे, उनके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आगे उनके मिस्टर रोहेल है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर, ये हमारा इशू नहीं है, इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगी राइट में ही रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो लीजिए, यहाँ पे आपको ले आएंगे, ये आपको फिल करना पड़ेगा फुल फॉर्म। तो फर्स्ट में आपको नाम देना पड़ेगा आपको एज पर पासपोर्ट या आईडी जो भी आपके पास है। मैं सेम टू सेम एंटर करता हूँ, नीचे फादर नेम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 19/11/1989। ओके, यहाँ से आप सेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल है। तो उसके बाद प्रोफेशन है यहाँ पे, आप यहाँ से जो आपसे रिलेट करता है वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से टेक्नीशियन सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आपको आईडी नंबर देना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पंजाब से, क्योंकि वो आईडी कार्ड मुझे यहाँ से हाइड करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पंजाब। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा गुजरांवाला, और यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपना पाकिस्तान का एड्रेस एंटर करता हूँ, तो एड्रेस में एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, आप कंट्री कोड के साथ एंटर कीजिएगा। लैंडलाइन, यहाँ पे लैंडलाइन नंबर ये ऑप्शन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड पे फिर आ जाइए, CNIC नंबर है, तो उसके लिए एंटर करता हूँ मैं। एंटर करने के बाद यहाँ से हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मिलेगा आपको, पासपोर्ट नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद प्रोटेक्टर नंबर अगर आपके पास है तो आप एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप एक चीज़ नोट करेंगे, जो चीज़ें इनको रिक्वायर्ड है वहाँ पे उनके साथ ये रेड वाला स्टार लगा हुआ है, इन चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते। मेरे पास है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा उसका क्या है। तो खैर, मैं यहाँ पे पासपोर्ट यहाँ पे एंटर करता हूँ, पासपोर्ट इशू प्लेस है जो,
गुजरांवाला से है और यहाँ परमानेंट रिटर्न डेट, अगर आप पाकिस्तान यहाँ से एग्जिट जा चुके हैं तो यहाँ पे आप उसको परमानेंटली दे सकते हैं उसकी डेट, जिस डेट को आपने एंट्री की पाकिस्तान में। इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे पर्सन नेम आप मतलब पाकिस्तान में किसी का दे सकते हैं कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पे अपने भाई का एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ये भी आप कंट्री कोड के साथ एंटर कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आए। एमरजेंसी में किसी भी वजह से कॉन्टैक्ट करना पड़े तो ये उसके लिए है। यहाँ पे एड्रेस एंटर करता हूँ। इसी तरह यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से हम तो यहाँ पे अब्रॉड कंट्री कॉन्टैक्ट है तो हम कहाँ पे आपने स्टे किया हो वहाँ एंटर कीजिए यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे हमें एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एंटर किया एड्रेस अपना सऊदी अरब का। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके पास है अवेलेबल है, और ये कोड के साथ ये भी एंटर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है हमारे पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर आईडी अपनी एंटर कीजिए जो भी आप यूज़ करते हैं, याहू की, जीमेल की, हॉटमेल की। तो मैं यहाँ पे अपने जीमेल की आईडी एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर करता हूँ, यहाँ से आप कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। मैंने एंटर कर दिया तो ये देखिए, अब मैं इसको जस्ट यहाँ से ग्रीन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सबमिट फॉर्म, इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमें अलर्ट दे रहा है डू यू वांट टू सबमिट, इसको सेव कर देता हूँ। तो लीजिए ये हमें एक नोटिस आ गया, कंग्रेचुलेशन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, एंटर योर ईमेल एंड पासवर्ड टू लॉगिन। ओके करता हूँ इसको, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। आपको अपना पूरा आईडी देना पड़ेगा, मेल पासवर्ड एंटर करता हूँ, यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। फाइल ऑप्शन ओके करता हूँ मैं इसको, तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने को बोल रहा है जो हमने स्कैन किए हुए हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। खैर यहाँ पे हमें अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, यहाँ पे है एक OPF मेंबरशिप कार्ड लिखे है और यहाँ पे है FER कार्ड, तो हमें इसको अभी इग्नोर करना है। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं OPF के बारे में, ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन का जो कार्ड होता है मेंबरशिप, उसके बारे में। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक हेयर पे, तो इन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रही हैं। एक यहाँ पे है वॉलंटियर मेंबरशिप सर्विस इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे आपको कंपलसरी मेंबरशिप सर्विस इंस्ट्रक्शंस है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कंपलसरी मेंबरशिप सर्विस इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है कुछ जो हमें चाहिए होंगे, फ़ोटो चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, वैलिड वीज़ा चाहिए, वैलिड इकामा नंबर चाहिए, इकामा यानी CNIC और NICOP अगर आपके पास है, और प्रोटेक्टर पेज जो आप उसकी तस्वीर ले सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाई पे, तो लीजिए अपलोड डॉक्यूमेंट, इसको ओके करता हूँ मैं। यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैं पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द डिस्पैच एड्रेस विदिन रीजन, आप वो कार्ड जो आप किस जगह पे आप उसको रिसीव करना चाह रहे हैं, अगर आप पाकिस्तानी एड्रेस पे करना चाह रहे हैं तो इसी को रहने दीजिए, अगर तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका ये सब है तो आप ये अपनी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर गल्फ कंट्रीज में है तो आपको गल्फ कंट्री ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको अपने पाकिस्तानी लोकल एड्रेस पे ही मंगवा लेता हूँ ताकि कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आए हमें। तो ये जैसे ही मतलब घर पहुँचेगा पाकिस्तान में तो वहाँ से हम यहाँ से मंगवा लेंगे, कोई आता जाता हो या कुरियर के ज़रिए। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर नंबर मांग रहे हैं हमसे, तो वो तो मेरे पास नहीं है। आप जैसे यहाँ से प्रोटेक्टर स्टैम्प विजिबल जो यहाँ पे है जिसके ऊपर लगा हुआ जिस पेज के, वो हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए ये मैंने डॉक्यूमेंट सारे रखे हुए हैं, तो यहाँ से ये प्रोटेक्टर है मेरे पास, इसको ओपन करता हूँ।
इसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। आपने अपलोड लाजमी करना है, अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके कर देता हूँ। इसी तरह नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं प्रोटेक्टर स्टैम्प अपलोडेड, क्लिक हेयर टू व्यू। आप उसको देखना चाहते हैं तो ये प्रोटेक्टर है, तो आपको भी अब दिख गया होगा। तो इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट पे कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर की, पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ से चूज फाइल पे, और इसको अपलोड कर देता हूँ। और इसी तरह हम ये सब CNIC और वीज़ा और इकामा का जो है हमारे पास वो सब कुछ एंटर करेंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सॉरी, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इकामा नॉट अपलोडेड, यानी ये चीज़ अभी अपलोड नहीं हुई है। जो चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं वो यहाँ पे उन्होंने अपडेट कर दिया हुआ है कि पासपोर्ट अपडेटेड हो गया है, CNIC मेकअप अपडेटेड हो अपलोडेड हो चुका है, पिक्चर भी अपलोडेड हो चुकी है, वीज़ा भी अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। तो इसी तरह इकामा यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। तो अभी देखिएगा यहाँ पे इकामा अपलोडेड की ऑप्शन आ जाएगी। तो लीजिए यहाँ पे एक काम अपलोड सक्सेसफुली किया, हो चुका है मेरा। तो आप एक दफ़ा सब चीज़ें चेक कर लीजिएगा, ये पिक्चर है अपलोडेड है, आईडी कार्ड अपलोडेड है, पासपोर्ट अपलोडेड, वीज़ा अपलोडेड, एक काम अपलोडेड। अब यहाँ से हम नीचे आते हैं, यहाँ से प्रीवियस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिव स्टैम्प यहाँ पे अपलोडेड है। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, आप अप्लाई कंपलसरी मेंबरशिप पे, और इसको सबमिट एप्लीकेशन पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं देखो रिकॉर्डिंग भी हो रही है क्या नहीं। तो डियर अहमद लतीफ, प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड फॉर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ कंपलसरी मेंबरशिप एप्लीकेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट टिक लगा हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर अपलोडेड है, CNIC मेकअप अपलोडेड है, पासपोर्ट अपलोडेड है, वीज़ा अपलोडेड है, काम अपलोडेड है, और प्रोटेक्टर स्टैम्प अपलोडेड है। इसको यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। तो लीजिए कंपलसरी इज सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से। कंपलसरी मेंबरशिप के बारे में आगे कार्ड कार्ड है तो सीरियल नंबर है, नाम लिखा हुआ हमारा यहाँ पे, पासपोर्ट नंबर है, एप्लीकेशन तो ये ओपन, मतलब ये एप्लीकेशन कितना टाइम इसको रिक्वायर है। तो इशू नहीं हुआ और इशू डेट भी यहाँ पे है, वो जैसे ही कार नंबर इशू होगा और इशू डेट उसकी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो डिस्पैच हुआ, यहाँ पे हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मैंने लोकल एड्रेस दिया है पाकिस्तान का, तो ये वहीं पर डिलीवर कर देंगे इसको। इसके अलावा यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप चेंज करना चाहें, पर्सनल नंबर है, इसीलिए अटैचमेंट अगर कुछ मिसिंग रह जाए तो यहाँ पे अगर लेफ्ट पे देखेंगे तो OPF पोर्टल है, यहाँ पे नाम है। तो इसी तरह यहाँ पे आपकी आईडी और व्यू प्रोफाइल, व्यू अटैचमेंट और एडिट प्रोफाइल अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से इसका लॉग आउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगी। तो आप इसके बारे में इस वीडियो, खैर इतना ही। तो जैसे मुझे इसकी कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है और इसका क्या फ़ायदा है तो उसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये अपलोड करने से पहले मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो आप पहले उसको देख सकते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। तो लीजिए हमारी पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है जो हमने अपडेट की है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीएम अल्लाह। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ।
video tutorial with voice included.